अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। पुलिस थाना सिटी पत्तोकी के SHO सैयद सकलैन बुखारी के सरबराही में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया। हमारे 47 न्यूज़ के नुमाइंदा मेहर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर SHO थाना सिटी पत्तोकी सैयद सकलैन बुखारी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। SHO सिटी पत्तोकी सैयद सकलैन बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्वस नाजम और फनाजी डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार किए गए। मुलजमान के कब्जे से नकदी 3 लाख रुपए, 5 मोबाइल फोन और नाजायज असलहा भी मौके पर बरामद किया गया। मजीद कहा कि जराइम पेशा अफराद के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पकड़े गए मुलजमान के खिलाफ थाना सिटी पत्तोकी में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। इंचार्ज चौकी ओराड़ा ASI मोहम्मद फारूक ने 4 दिन पहले चोरी होने वाली मोटरसाइकिल ढूंढकर रेलवे मुलाजिम जावेद इकबाल के हवाले कर दी। हमारे 47 न्यूज़ के नुमाइंदा मेहर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना राजा जंग की चौकी ओराड़ा के इंचार्ज ASI मोहम्मद फारूक ने रेलवे मुलाजिम की चोरी होने वाली मोटरसाइकिल ढूंढ कर वापस कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में चौकी इंचार्ज ओराड़ा का कहना था कि 4 रोज़ पहले रेलवे मुलाजिम जावेद इकबाल की राव खानवाला स्टेशन के स्टोर से नामालूम चोर मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए, जिसकी थाना राजा जंग में FIR भी दर्ज करवाई गई, जिस पर SHO थाना राजा जंग इमरान जावेद की सरबराही में नामालूम मुलजमान की तलाश शुरू की गई। दौरान कार्रवाई चोरी होने वाली मोटरसाइकिल राव खानवाला से मिली मोटरसाइकिल रेलवे मुलाजिम जावेद इकबाल को वापस कर दी गई। मोटरसाइकिल मिलने पर जावेद इकबाल ने SHO थाना राजा जंग इमरान जावेद और ASI मोहम्मद फारूक का शुक्रिया अदा करते हुए खिराज तहसीन पेश किया। कलर सईदा से हमें अपडेट कर रहे हैं अब्दुल अजीज पाशा। MC कलर सईदा के इलाका लूनी जंदरा के मुमताज नौजवान सियासी सामाजिक कारोबारी शख्सियत चौधरी मोहम्मद जावेद के साहबजादे चौधरी जीशान जावेद रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक। उनके दावत वलीमा के पुरवकार तकरीब कलर सईदा के एक मकामी शादी हॉल में मुनक्कद हुई। दावत वलीमा में मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब राजा सगीर अहमद, साबिक सूबाई वजीर चौधरी मोहम्मद रियाज, पीपल्स पार्टी जिला रावलपिंडी के नायब सदर बिलाल कयूम चुगताई, साबिक नाजम शेख हसन रियाज, हाजी चौधरी तारिक ताज, साबिक चेयरमैन जक़ातुश्शर कमेटी अब्दुल अजीज पाशा, साबिक बल्दिया मेंबर मोहम्मद जुनेद भट्टी, मुमताज मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी तौकीर असलम, शेख हसन सरायकी, राजा नवीद कैसर, नजीर अहमद, खालिद महमूद, मोहम्मद बेशारत जंजुआ, मिर्जा नदीम, राजा इमरान काजी कुजूम, इंतखाब हुसैन अशरफ, ठेकेदार तबरेज, ममरेज अख्तर, जाहिद महमूद, फहद असलम, नौमान असलम, बाबर हुसैन, अजमत हुसैन, मोहम्मद शबीर, ताजीन बेग, अजहर अली, अतलस महमूद, हाजी अमीन, महमूद हुसैन, आमिर सिद्दीकी, इमरान अख्तर, चौधरी तनवीर अख्तर, हाजी शौकत अली, गुलाम सफी, गुलाम जेलानी, मोहम्मद इरफान, राजा अजमत, हाजी मोहम्मद बशीर, हाजी असलम बानी, ठेकेदार मोहम्मद यासीन, तौसीफ नकाश, हसन हफीज, जाफुरान भट्टी, अब्दुल रशीद, फजल हुसैन, जफर इकबाल, जफर हुसैन, जहांगीर भट्टी, रियाज भट्ट, मिर्जा इरफान, चौधरी मोहम्मद हनीफ, काजिम अजहर, फैसल अमीन, मोहम्मद फयाज गयानी, हमजा उबैद, अख्तर कयानी, आमिर शहजाद सत्ती, नजम हुसैन दरकाली, शेख मुईज, मोहम्मद इश्तियाक, चौधरी साद हनीफ सबैद, दीगर मोअज्जज़ीन इलाका दोस्त अहबाब अजीज व अकारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमानों को रंगारंग खानों से लुत्फ अंदोज किया गया। अब्दुल अजीज पाशा, ब्यूरो चीफ कलर सईदा।